इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग. सारे गाने फिल्म के बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मेलोडीज है. और फैज अनवर साहब का सबसे बड़ा स्पेशलिटी ये है कि जो वो लिखते हैं उसमें कन्विक्शन बहुत होती है. बहुत कमर्शियल लिखते हैं बट बहुत सेंसिबल लिखते हैं. नैनो के ऊपर उन्होंने दबंग में भी लिखा था और नैनो तेरे मस्त मस्त दो नैन दिस फिल्म आल्सो नैना शाते. तो ही हैज गॉट ट्रेमेंडस कमर्शियल सेंस. और मैंने जब गाना सुना था और इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट फॉर मी व्हेन आई वाज सिंगिंग. फिर उन्होंने कहा कि आपके ऊपर पिक्चराइज कर लेते हैं. तो आई सेड यस. सो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इसके पहले भी काफ़ी फिल्मों में मैंने ऐसा गानों में एक्ट किया है. तो इट इज़ रियली वेरी गुड सॉन्ग. बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी फिल्म के सारे ही गाने बहुत इंटरेस्टिंग हैं एंड फिल्म इट सेल्फ इज अ वेरी हॉट. इट हैज गॉट फैंटेबुलस रीजन ऑल्सो. मिस्टर योगी इज द डायरेक्टर एंड ही हैज गॉट very very tremendous sense. He's a very very nice person, very good director. He's a very dear friend of mine. और ये फिल्म बेहतरीन साबित होगी. सर हमारे दर्शकों के लिए गाना गा देंगे तो बहुत अच्छा होगा. यार अभी मैं थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा नासाज रहित तबीयत बट ना आई एम फाइन एब्सोल्युटली. बात करने में और गाने में जरा सा काफी फर्क होता है. सर आप कैसे देखते हैं सलमान खान ने जिस तरह से शर्मनाक बयान दिया है महिलाओं के लिए, तो आप कैसे देख सकते हैं कि अगर सलमान खान को माफी मांगना चाहिए पूरे देश के सामने? ये कब हुआ? ये 2-3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया है और अभी तक उन्होंने माफी. 3 दिनों से तो मैं अपना मेडिसिन के ऊपर हूँ, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं. आई विल गो रीड एंड अंडरस्टैंड इट देन आई विल बी. मतलब सुल्तान उनकी अपकमिंग जो फिल्म है उनसे इतना मायने का इतने रेस्लिंग कराए गए कि उन्हें एक मूवमेंट की तरह. पर ब्रदर चक्कर ये है कि जिस बारे में मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम होगा तो मैं कुछ कह सकूँ. आई हैव नो आइडिया. लेकिन अगर उन्होंने अगर तो जाता ही नहीं. जब जो चीज मैंने पढ़ी ही नहीं है, जो जिस चीज के बारे में मैंने सुना है अब भी सुन रहा हूँ, तो मैं कैसे जवाब दूँ? सर मैं आपको बता दूं सलमान खान के सर क्या हुआ. सर सलमान खान आप अभी लव के फंडे के बारे में बात कर सकते हैं, म्यूजिक के बारे में बात कर सकते हैं. मैं चाहूंगा सर कि मतलब गाना गाना ज्यादा मुश्किल था किसी फिल्म के अंदर जो आपको करवाए गए. ना गाना गाना ना कहानी मुश्किल होनी चाहिए, ना गाना मुश्किल होना चाहिए, ना गाने वाले को गाते वक्त मुश्किल होनी चाहिए. वी बिलोंग टू एंटरटेनमेंट वर्ल्ड. हम मनोरंजन की दुनिया से संबंध रखते हैं. हमारी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, आसान होनी चाहिए. तो मेरे लिए कोई भी गाना ना चैलेंजिंग होता है ना मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि चीज़ साधारण कन्विक्शन के साथ हो, इंटरटेनिंग हो. दैट्स अपकमिंग प्रोजेक्ट कभी कभी नाम से पता नहीं चलता, बिकॉज व्हेन आई गो आई ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगिंग. तो कभी कभी मैं नाम नहीं फिल्म का पूछ पाता. लेकिन फिलहाल ये लब के फंडे हैं, रंगून है, सुल्तान इत्सेल्फ है और मैनी अदर्स, बट नाम नहीं याद आ रहे. सर इस फिल्म के अंदर सर आपके सर कितने गाने हैं? इस फिल्म के अंदर शुड बी अराउंड आई थिंक सम 5 सॉन्ग एंड एवरी सॉन्ग इज रियली इंटरेस्टिंग. आई ट्राई. नैना शातिर बड़े तिर बड़े नैना शातिर बड़े है नैना शातिर बड़े. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीबॉडी. सी यू. एक ना ये बता दीजिए पहले कौन पूछ रहा है. हाँ पहले पिक्चर की बात करते हैं. फिल्म में लव के फंडे मींस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं मेजरली. हाफ ऑफ द फिल्म तो आपको पता नहीं चलेगा कौन बेसिकली किसका गर्लफ्रेंड है और कौन किसके बॉयफ्रेंड है. मैं एक अकेली इधर हूँ जो वाइफ का रोल प्ले कर रही है. शी इज अ कॉर्पोरेट वुमन और अपने पति के लिए बहुत डेडिकेटेड है, अपने घर के लिए बहुत डेडिकेटेड है. उसको वो बाहर के लव के फंडों के चक्करों में नहीं है. सो दैट्स माई कैरेक्टर. माई कैरेक्टर नेम इज जस्सी. शी इज अ वेरी सोफेस्टिकेटेड लेडी. सो बाकी इन लोगों के एक दूसरे लड़कियों को पटाने के चक्कर चल रहे हैं. कोई किसी को पटा रहा है, कोई इसको छोड़ के दूसरे को जा रहा है. सो दैट्स कॉल्ड लव के फंडे. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ पटाओ गर्ल्स.
सॉरी आई कुडंट हियर यू. रियल लाइफ के ओके रियल लाइफ में आई एम वेरी फोकस्ड. मेरे कोई आई डोंट बिलीव इन चार पांच बॉयज बॉयफ्रेंड्स एंड दिस दैट. सो आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन ओनली वन बॉयफ्रेंड हु इज देयर इन माय लाइफ एंड विल बी देयर इन माय लाइफ थ्रू आउट. थैंक यू. आई एम देयर ऑन द टीवी. देयर इज वन शो कॉल्ड गुपचुप ऑन सब टीवी. आई हैव स्टार्टेड शूटिंग विद देम एंड आई एम प्लेइंग अ मेन लीड इन दैट. एंड ऑन फ्लोर वी हैव ऑलरेडी गॉन एंड July in some date it will be on air. So yeah, that is side by side is going on. Thank you. Yes. एक सेकेंड मुझे मैं प्रोमो नहीं देख पाया हूँ. मैं सिर्फ जो गाना है उसको मैंने देखा है. वेरी वेल शॉट. गाना अच्छा है एंड ऑफकोर्स सुखविंदर जी उसमें परफॉर्म कर रहे हैं. डेफिनेटली इतने बड़े बड़े नाम है, इतना अच्छा गाना है तो यकीनन अच्छा ही होगा और अच्छी बनी है. इंद्रवेश जो डायरेक्टर हैं मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. मैंने एक शो किया था नाना इदेस लाडो कलर्स पे, तो उस समय इंद्रवेश मुझे आके हरियाणवी बोलना सिखाते थे, तो मैं तब से उन्हें जानता हूँ. 7 साल हो गए हैं. सो उस समय उन्होंने इतनी मदद की थी. सो आई जस्ट फील एज अ फ्रेंड आई शुड बी हियर for the launch of his first film and he's done a fantastic job. So ji film mein aapka kisi tarah ki koi guest appearance hai aapka? Nahi nahi mera nahi nahi mera koi kirdar nahi hai, koi guest appearance nahi hai. Main sirf kyunki Indravesh mere dost hain aur main chahta hu ki definitely film achhi bani hai, log ise dekhe and unhe malum padega ki love ke kitne sare funde hote hain. And aapne sir film dekhi sir ki? Nahi nahi main dekha film abhi tak to dekh nahi paya hu. I've just come back. Main bhi apne ek shoot ke liye tha, gaya hua tha एंड उससे वापस आया हूँ. सो आई हैव जस्ट कम इनटू बॉम्बे और 2 दिन के बाद मैं अभी आई जस्ट कम बैक टू बॉम्बे और देखते हैं अभी आगे बहुत सारी चीज़ें. सर अभी सर क्या सर? आई थिंक एक शो हमारा है जी पे आने वाला है अम्मा जिसका नाम है. उर्वशी शर्मा उसमें वापस लॉन्च हो रही हैं एज एन एक्ट्रेस. ये शनिवार को वो शो चालू होने वाला है 10:30 रात को. ट्वाइस अ वीक सैटरडे एंड संडे. सो प्लीज़ डेफिनेटली वॉच द शो. और कमाल की बात यह है कि उसमें आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल जिसमें मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन शेखरन शेट्टी एक पात्र है वो रोल कर रहा हूँ. सो समथिंग डिफरेंट टू लुक फॉरवर्ड टू. ऑल्सो रिसेंटली सलमान खान एक कमेंट दैट जो उनके सुल्तान की मूवी थी उसमें उन्हें इतना मेहनत करा गया क्योंकि एक रेप वूमेन की तरह वो कर रहे थे. व्हाट इज योर कमेंट? देखिए पहली चीज ये है कि कई बार दोस्तों के बीच में हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं. आई अंडरस्टैंड दैट. वेल दैट्स द वे ही लुक्स एट थिंग्स. उनका अपना तरीका है लाइफ को देखने का. आई एम नोबडी टू पॉइंट फिंगर्स कि ये सही है ये गलत है. मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही हैं और करी हैं जिसमें मैं भी बहुत सारी चीज़ों में अटक गया था. So I'm nobody to point fingers at anybody. लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का बात कहा है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, आपको क्या लगता है? वो भी उनका अपना डिसीजन है. अगर वो माफी मांगना चाहते हैं इट इज हिज डिसीजन, हिज पर्सनल डिसीजन. उसमें आप किसी से जबरदस्ती कुछ कहलवा नहीं सकते. देखिए ह्यूमन बींग के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात कर सकते हैं. आई थिंक नहीं महिलाओं में तो अगर आप देखिए महिलाओं की बात अगर आप करना चाहते हैं तो आप जाके लॉ को चेंज कीजिएगा. 25,000 चीजें हो रही हैं हमारे देश के अंदर, नहीं हुआ है. वेल मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी चीज इतना बड़ा रेप केस हुआ था 16 दिसंबर को 3 साल पहले. उसके बाद हम चिक चिक के हमने कहा कि जो लॉ को चेंज करना चाहिए. 3 साल के बाद जो लड़का 18 साल से कम है उसको कैसे छोड़ दिया? सारा देश इकट्ठा हो गया था. क्या हुआ? लॉ वहीं का वहीं है. वो लड़का 3 साल के बाद चला गया बाहर और आज वो अपनी जिंदगी जी रहा है. कहां हुआ लॉ चेंज? इतना बड़ा केस हुआ, सारा देश इकट्ठा हो गया लेकिन लॉ कहाँ चेंज हुआ? सर आपको एक क्लियर करना चाहूंगा सर, उनके बाद लॉ चेंज हुआ किन के बाद? हेलो क्या हुआ?
अभी चेंज हुआ है, बट द पॉइंट इज कि जिसकी वजह से इतना बड़ा केस हुआ उसको तो आपने छोड़ दिया, ही इज आउट। तो मेरे हिसाब से लोग कहां, अभी जब अगला केस होगा तब देखें, दैट्स माय पॉइंट। सो जो चीजें लोग बोल देते हैं बोल देते हैं, ठीक है, डेफिनेटली देखिए, देश की छवि किसी एक इंसान के बयान से ना टूटती है ना बनती है। सो आप अगर इज्जत देना चाहते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, प्लीज आप सब लोग जितने भी हैं अपने औरतों को अगर आप इज्जत देना चाहते हैं, वहाँ वो अगर माफ़ी मांगना चाहते हैं वो उनके ऊपर है, एंड उसको आप कोई फोर्स नहीं कर सकता है। मैं बहुत सारी चीज़ें बोल देता हूँ गुस्से में आके, बात करते हुए निकल जाती फिर ना। मैं मेरे कैरेक्टर का नाम आर्यन है, शो में मैं टेलीविजन कर करके इतना वो गया हूँ ना, मुझे सबसे ज्यादा शो दिखता है मूवी में। हाँ, सो माय रोल इन द मूवी इज, उसका नाम आर्यन है, जो एक थोड़ा कैसेनोवा टाइप का इंसान है और जो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है और जो ही ओन्स द पब। सो आपने जो गाने में पब देखा है, लाउंज देखा है, वो मेरा है और वो पार्टी मैंने थ्रो करी है अपेरेंटली इन द मूवी। सो ही ओन्स अ पब, ही ओन्स अ लाउंज वेयर ही इज अ वेरी पार्टी गोइंग फन लविंग गाय, जो लाइफ को सीरियसली लेता है इन टर्म्स ऑफ वर्क, बट ही डजंट टेक लाइफ टू सीरियसली इन टर्म्स ऑफ लव। सो ही ऑलवेज फील्स दैट ठीक है, आज पूजा कल कोई दूजा टाइप्स। मेरे लिए यार मैं पसीने छूट गया, मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत प्रिपरेशन की इसके लिए, मैं अलग अलग लड़कियों को पटाने की कोशिश में। हाँ मैं एक्टर यार, आई डू माई जॉब, आई मैंने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब लड़की, जब आपको पता हो ना कि स्क्रिप्ट में लड़कियों को, लड़कियाँ थप्पड़ नहीं मारेंगी, तो यू कैन फ्लर्ट अराउंड ना, जब आपको पता ही ना हो कि भैया लड़की थप्पड़ मार दे तो। सो नथिंग लाइक दैट, आई हैव एंजॉयड इन द मूवी एंड आई हैड गुड फन यार। आई थिंक दिस सॉन्ग इज माई फेवरेट, नैना शातिर बड़े, सुखविंदर जी का मैं बहुत बहुत ज़्यादा, और मैंने बहुत उनके गाने सुने हैं। इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि सुखविंदर जी गाना गा रहे हैं और वो इसमें फीचर भी करेंगे, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग पहली बार मिले और मैंने उनको बोला कि यार सुखी भाजी मुझे एक आपसे वो गाना गाने की लाइन सुननी है, ही वॉज लाइक कौन सा, तो मैंने मुझे बहुत जो द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर ऑफ सुखविंदर जी इज कम्बक इश्क है जो, सो आई हैड आस्क्ड हिम टू सिंग दैट एंड वी हैड अ गुड टाइम। आई लव दिस सॉन्ग, नैना शातिर बड़े आई थिंक इज माय बेस्ट। गेट बैक टू टीवी, बैक टू टीवी तब होगा जब मैं टीवी छोड़ूंगा। मैं एक शो कर रहा हूँ जिसका नाम है सूर्यपुत्र कर्ण, जो सोनी पे आता है एंड इट इज लीडिंग द चैनल, सो इट्स डूइंग वेरी वेल। स्वास्थ्य का शो है और मैं उसमें काम कर रहा हूँ और मैं वहीं से शूटिंग से अभी आया हूँ और मैं वापस शूटिंग में निकल जाऊँगा, सो टेलीविजन तो चलता रहेगा। थैंक यू। अब हमने तो बना के रेडी कर दी है, अब कहने का टाइम लोगों का है। हाँ, थोड़ा टाइम बचा। नहीं बिल्कुल नर्वस, कॉन्फिडेंस है। किस लिए होना है ये बताओ, पिक्चर ने बनाई है, दो साल से लगे हुए, नर्वस का मतलब ही नहीं है। नहीं कुछ नहीं होगा, जो आप लोग छापेंगे वही हो जाएगा। आप कुछ छाप दोगे पिक्चर हिट है, थोड़ा सा कम छाप दिया तो काम खराब हो जाएगा। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। फिल्म अच्छी बनाई है, रोमांटिक फिल्म है। सर आप कैसे इसमें इन्वॉल्व हुए, आप कैसे, क्या ये अपने दोस्त हैं तो इन्वॉल्व हो गए। मैं 5-6 साल से हूँ, पहले मैंने 2 पिक्चर आनी बना के रिलीज हो चुकी हैं, अभी हमारी 3 पिक्चर और रेडी हैं फैज और मेरी मिला करके। अभी एक मेरी पंजाबी है जो अभी शूट पे फ्लोर पे है, 20th को शूटिंग स्टार्ट हो चुकी इसकी। न्यू कमर में क्या जी, अगर पिक्चर अच्छी हो, स्टोरी अच्छी हो और आर्टिस्ट अच्छे हो तो कभी ना कभी तो न्यू कमर सारे थे ना। हमने हमारी स्टोरी की डिमांड भी थी, डिमांड ऐसी थी और हमने कहा था देखे नए सबको, नए को लेके बनाते हैं
क्या होगा आजकल? हाँ। हिट और फ्लॉप का बात ये अलग है, बड़े स्टारों की फिल्में फ्लॉप हाँ। होती हैं और नए की होती है, लेकिन आजकल बनिस्बत बड़े स्टारों के छोटे जो नए कलाकार आ रहे हैं उनके अंदर आग टैलेंट बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी फिल्में ज़्यादा चल रही हैं आजकल, नए लोगों की फिल्में ज़्यादा चल रही हैं बशर्ते बड़े लोग देखते हैं। ये कहानी तो माइंड में डायरेक्टर की आई, जो हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के इंद्रवेश योगी, उनके माइंड में कहानी आई, उनकी शायद रियल लाइफ कहानी है लव के फंडे, उनके ऐसे ही फंडे रहते हैं, तो एक कहानी सुनाई प्रेम जी को और मुझे, तो प्रेम जी बोले ठीक कहानी है इस पर बनाते हैं, तो हम लोगों ने शुरू हो गए। गाने आपने लिखे हैं, सारे गाने म्यूजिक सुपर हिट है इंशाल्लाह ताला, म्यूजिक बड़ा हिट है, क्योंकि जितने गाने मैंने आज तक लिखे हैं इस 30 साल में उसमें से 90% गाने हिट हैं, चाहे वो एल्बम हो चाहे फिल्म के सॉन्ग्स हो। लास्ट तक जो म्यूजिक है वो फिल्म के एतबार से, जो फिल्म की जो कहानी है जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से प्योर रोमांटिक गाना इसमें एक है, जावेद अली ने गाया है इमोशनल रोमांटिक। इसके अलावा 3 गाने, एक सुखविंदर ने जो गाया अभी आपने देखा नैना शातिर बड़े, एक इसके अलावा मिक्का सिंह ने गाया है तेरे बिना कुड़ी साड़ा जीना, एक जोजो नथानियल ने गाया है टाइटल सॉन्ग पेचीदा है लब के फंडे, और एक नई लड़की है खुशी ठाकुर उसने गाया है अनमोल मस्का है चिकना बदर आइटम नंबर। तो फिल्म इसका जो म्यूजिक है वो आजकल के हिसाब से है, पेपी नंबर है, रोमांटिक है, कुछ रिदमिकल नंबर है, पार्टी सॉन्ग है, इमोशनल रोमांटिक एक सॉन्ग है जावेद ने गाया है, म्यूजिक सुपर हिट है। देखो मेरे तो कोई लव के फंडे है नहीं इसके अंदर, उल्टा मेरे साथ लव के फंडे हुए हैं। आई मीन एक लड़का मुझे प्रपोज करता है कि मतलब आई लव यू एंड ये, लेकिन मैं भी ठीक है, मेरे को भी हाँ कि हाँ ठीक है, एक लड़का मुझे प्रपोज कर रहा है एंड ठीक ठाक है तो ओके फाइन, लेकिन मुझे बाद में पता लगता है कि इज मैरिड। सो मेरे साथ लाइक पूरी मूवी में यही हुआ है, मुझे जब भी प्यार हुआ है मैरिड लड़के से ही प्यार हुआ है। सो मतलब मेरे साथ ट्रेजेडी कह लो क्या कह लो मुझे खुद नहीं पता चला, बट अच्छा था बहुत, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है एंड थर्ड मेरा जो फ्रेंड होता है राहुल सूरी वो भी आया नहीं है। सो उसके साथ लाइक एंड ऑफ द मूवी आई रियलाइज कि हम एक्चुअली आई एम इन लव विद हिम नॉट दिस, लाइक मुझे प्यार हमेशा गलत हुआ। मैं पूरी मूवी में यही बोल रही हूँ कि मुझे प्यार हमेशा गलत होता है। तो कितना मुश्किल और आसान था आपके लिए? नहीं, रियल लाइफ में मेरे कोई फंडे नहीं है बिकॉज आई एम फोकस ऑन माई वर्क, सो ये सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम ने सपोर्ट किया, स्पेशली फैसर ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। सो क्योंकि ये कैरेक्टर बिल्कुल मेरे लिए ऑपोजिट था, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली बोल्ड एंड रियल लाइफ में, एंड रियल लाइफ में इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ जो मैं रियल लाइफ में दिख रही हूँ। सो इसमें थोड़ा मेरा बोल्ड है, सो डू वॉच, आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा लव के फंडे। 15 जुलाई को रिलीज है, 15 जुलाई? हाँ 15 जुलाई, 15 जुलाई बोला, आप कहीं और है? नहीं 15 जुलाई, ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू सो मच। पहले मैं अपना नाम बताऊंगी, मेरा नाम है सूफी गुलाटी, मैं हूँ पंजाब से, और इससे पहले मैं एक मूवी कर चुकी हूँ मुंडे कमाल ने एंड जो कि बहुत अच्छी थी, और इस मूवी में जो मेरा करेक्टर है उसका नेम है रिया, जो एक बहुत सिंपल लड़की होती है। बहुत सारी लड़कियाँ जैसी मैं हूँ उस पिक्चर में, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी जो उस रियल बेस पे होगी, लाइक बहुत सिंपल होती हैं और उनको एक ही लड़के से प्यार है, उस मेरे जैसी लड़की को एक ही लड़के से प्यार है, एम्पायर से बात सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, बट एक नहीं है तो प्यार नहीं है। मैं विश करती हूँ पूरी मूवी में कि वो लड़का मुझसे शादी कर ले, और पूरी मूवी घूमती रहती है एट द एंड बस वही फंडे इस्तेमाल कर करके तब जाके लव के फंडे बनी है और वो लड़का लास्ट में मुझसे शादी करता है। कितना मुश्किल है? सॉरी, एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैं थोड़ी अपनी रियल लाइफ में थोड़ी चुलबुली नोटी हूँ, थोड़ी हंसी मजाक करने वाली हूँ, और एकदम उसमें सीरियस रोल मेरे लिए तो थोड़ा सा था, मेरा ना गला की ऑलमोस्ट यही है कि बस एक बहुत सिंपल लड़की हूँ, एक ही लड़के से प्यार करती हूँ, एक ही सपना है कि उससे शादी कर लूँ, भगवान का दिया वो सब कुछ है और वो लड़का शादी जैसे कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करता, तो पूरी मूवी में मुझे फंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ना पड़ता है कि कब वो मेरे पास आए और शादी के लिए मान जाए। और जाने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ तहे दिल से कि हम लोगों ने इस मूवी के लिए बहुत सारी मेहनत करी है,
देखिए हर एक का सपना होता है मूवीज में आना, और जो लोग करते हैं उन्हीं को पता है शायद उनके लिए ये चीज़ क्या मायने रखती है। सो सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 लव के फंडे 15 जुलाई को आप लोग ज़रूर देखने जाना, ये है लव के फंडे। थैंक यू सो मच। जी इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ लव। प्यार क्या है आज के यूथ के लिए, प्यार को किस नज़रिए से आज का यूथ देखता है, ये एक परसेप्शन है आज के यूथ का कि प्यार को किस तरीके से ये लोग लेते हैं। एक्चुअली अगर मैं टैगलाइन की बात करूं तो एक छोटी सी टैगलाइन से किसी कहानी की शुरुआत होती है। सो टैगलाइन इज व्हाट, लव इज़ द एक्सट्रीम सिंपैथी दैट लीड्स टू बेड। आज की जनरेशन के लिए यही फंडामेंटल है लव का। हिंदी में बोले तो प्यार एक बेहतरीन सहानुभूति है जो बिस्तर तक ले जाती है। थोड़ा सा बोल्ड है बट ऐसा ही कुछ है आज के यूथ के लिए प्यार। वो प्यार का दौर बदल गया कि पहले लड़का लड़की मिलते थे 4-6 महीने तो नज़रें मिलने में ही गुजर जाते थे, फिर प्रपोज करने में यार दोस्तों के सपोर्ट लगती थी, अभी प्रपोज कर ये कर वो कर। आज का जनरेशन फेसबुक व्हाट्सएप टक 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 टक, सुबह मिले शाम को फेसबुक पे, फेसबुक से नंबर चेंज स्काइप पे और सीधा 24 आवर के अंदर ब्रेकअप हो जाता है। हाँ फिल्म बहुत फास्ट इसी आज की जैसे हमारी जनरेशन जिस तरीके से रन करती है उसी तरीके से फिल्म भी उसी स्पीड में फास्ट मूव करती है। नॉट ओनली कॉमिक वे, बहुत रियलिस्टिक वे, सटायर वे भी थोड़ा सा कह सकते हो। बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है। फिल्म आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक फिल्म नहीं, आप एक रियल लाइफ देख रहे हो, कुछ ऐसे किरदारों की एक रियल लाइफ देख रहे हो जिनसे आप ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं फिल्म के लिए तो मैं ही न्यू कमर हूँ, इट्स माय डेब्यू फिल्म। मीडिया वाले शायद सब लोग मेरे नाम पे नहीं जानते होंगे, माय नेम इज इंद्रवीश योगी। तो नए लोगों के साथ काम करना जाहिर सी बात है बहुत अच्छा ही रहा, और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सब लोगों ने शालीन भानोट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि शालिन जो है, जो मैंने शालिन को ऑब्जर्व किया है इतने एक लंबे टाइम पीरियड में, एक्चुअली जो वो है अभी तक उसको वो मिला नहीं है, और जिस दिन वो मिला ना ही विल बी अ सुपरस्टार। या आशुतोष कौशिक बिग बॉस का विनर रहा है, रोडीज का विनर रहा है, जैसा वो किरदार है देसी रफ टफ वैसा एक कैरेक्टर किया है। रिशांक तिवारी अगेन न्यू कमर, बट कुछ फिल्में की हैं एज पैरेलली, अच्छा एक्सपीरियंस है। राहुल सूरी बिल्कुल न्यू कमर, दिल्ली से एक सडनली एक ऑडिशन देता है, फेसबुक से अप्रोच करता है और किस तरीके से मेरे कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशन देता है, और उस ऑडिशन को हम लोग देख के उसको फिर बुलाते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, और कितना डेडिकेशन के साथ उस लड़के ने मेहनत की और जो परफॉर्मेंस किया वो आप लोग देख सकते हैं। हर्षवर्धन जोशी इज अगेन न्यू कमर, उसने भी बहुत मेहनत की। तो सभी एक्टर जो हैं इवन लड़कियाँ भी, सब ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाने के लिए जो है। जी मेरे लिए तो ज़्यादा इससे पहले मतलब मैंने काम कर रहा हूँ नॉर्मली, मेरे और 2-3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी करंटली पाइपलाइन में। तो ये जब मुझे जब ये मूवी करने बोली तो उसमें मेरा एक सॉन्ग है फिलहाल अभी लव के फंडे का, अमूल मस्कान उस गाने का नाम है, उसको गाया खुशी ठाकुर ने, बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने। और ये मेरा पहला आइटम सॉन्ग है मतलब पूरा नॉर्मली जब तक मैंने इतना काम किया है, और इसको लिखा मेरे डैड ने, फैज उमर जी ने। तो जब मैंने इसे बनाया कंपोज किया थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे बहुत, क्योंकि कर्ज मैंने ज़्यादा कभी बनाया नहीं, मेरे को हैबिट नहीं थी इस चीज़ बनाने की। तो मैंने जो अपने जितने भी आइटम सॉन्ग्स हैं मतलब ऐसी चीज़ें जो पकड़ में आती लोगों को जल्दी वो चीज़ वायरल होती है, वो सुनी मैंने, वो सुन के फिर मैंने 2-3 बार थोड़ा कंपोज किया, डैड को सुनाया। तो जब फाइनल मुझे पक्का उन्हें जब अच्छा लगा कि ये चीज़ ये चीज़ फाइनल है, फिर उसको मैंने अच्छे से रिकॉर्ड किया। अभी
जी, पहली बात तो ऐसा वो अभी तक जितना भी उन्होंने सॉन्ग लिखे वो सारे रोमांटिक लिखे हैं, तो मेरे लिए भी शौक नहीं था कि जब उन्होंने पहला उनका मतलब कि आइटम सॉन्ग लिखना हो तो नॉर्मल लिखते हैं नहीं, सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग ही लिखते हैं। जब मैं लिरिक्स पढ़े पहली बार तो उन्होंने शौक था बहुत ज़्यादा, बस उन्होंने मतलब ये लिखा है, जब उन्हें मैंने कंपोज करके सुनाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, फिर उन्होंने डायरेक्टर को सुनाया और बाकी जो भी हमारे जो कास्ट को हुए हैं उन सबको सुना, उनको सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर ऐसे जब अभी तो जब अब तो फाइनली म्यूज़िक लॉन्च हो गया तो लेट्स सी कि क्या रिएक्शन आते हैं पब्लिक के। मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो, हम तो चाहते हैं। मेरा तो जॉनर में ऐसा कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं है, मैं हर टाइप का वर्सिलिटी में बिलीव करता हूँ, मैं हर टाइप के सॉन्ग्स बनाऊंगा मैं जितना हो सकेगा, और मेरी विश है कि मैं जितना हो सके ज़्यादा काम करूँ, लंबे टाइम तक मैं ज़्यादा काम कर सकूँ, ये मेरी विश है। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर मैं बयान नहीं कर सकता इसको लफ्ज़ों में कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि मेरी डेब्यू फिल्म है जो रिलीज़ होने वाली है, हर कोई एक्साइटेड होता है, मैंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को पाने के लिए और इस फिल्म में अच्छा देखने के लिए आने के लिए। आई एम सुपर 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 सर आपने दूसरी फीमेल कास्ट से पूछा है तो ये तो सही कहा होगा उन्होंने, आई एम कंसिडर एज आर्थ्रोपो द फिल्म, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, बस कोशिश करता हूँ कि किसी को मुझसे हर्ट ना हो, बस शायद यही बात उन्हें अच्छी लगती है मैंने। सर बहुत चैलेंजिंग था, एक्टिंग हमेशा से एक चैलेंजिंग जॉब होता है, क्योंकि जब हम एक्टिंग करते हैं तो हम किसी न किसी किरदार को निभाते हैं जो हम नहीं होते, तो हमारे अंदर से उस हम को हटाना और किसी और को अंदर लाना और बाहर दिखाना थोड़ा सा टफ जॉब होता है, तो कोशिश की है, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और नहीं आया तो माफ़ कर दीजिएगा, अगली बार मौका ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। सर लव का तो मायना मैं समझता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो माँ से मिलता है, बड़े होते हैं तो भाई बहनों से मिलता है, उससे और बड़े होते हैं तो दोस्तों से मिलता है, फिर हम दुनिया में जाते हैं तो हमें प्यार ही प्यार मिलता है, तो लव के लिए बेसिकली कोई फंडे नहीं होता, लेकिन अगर हम लव में भटक जाते हैं, जब दिल कहीं हो जाता है, दिमाग कहीं और हो जाता है, उसके लिए लव के फंडे इस्तेमाल जो लोग करते हैं उनका क्या आश्चर्य होता है, वो कहानी है लव के फंडे, आज के यूथ की कहानी है कि हर एक इंसान अपने आप से कनेक्ट करेगा कि यार ये मेरे साथ। रियल लाइफ से मैं बताना चाहूँ तो रियल लाइफ से तो कनेक्टेड नहीं, प्यार के पार्ट पर कनेक्टेड है, लेकिन प्यार जहाँ पर व्यापार बन जाता है उस पार्ट से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं शादीशुदा होता हूँ और मुझे एक लड़की से प्यार हो जाता है, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अगर होगा तो मैं अगली फिल्म में दिखाने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, मैं इस कैरेक्टर से एक रियल लाइफ में एक क्वालिटी लेना चाहूँगा कि ये कैरेक्टर आखिरी में सच्चाई का साथ देता है, तो मेरा ये मानना है और कहना भी है कि हर इंसान अपनी लाइफ में सच्चाई का सहारा लेना चाहिए, होता है कुछ इंसान भटक जाते हैं, कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है, यही मैंने इस कैरेक्टर से सीखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू वॉच अवर फिल्म 15th of July 2016 लव के फंडे।